Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, in the last class, I taught you about the past and infinite tense. Okay friends, और ये भी कहा था आपसे कि past and infinite tense में सिर्फ इतना ही नहीं है और भी बहुत कुछ बाकी है. तो बाकी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे. Okay friends, so let's start the class of the day. Friends, सबसे पहले हम देखते हैं पिछली क्लास में दिए गए सेंटेंसेस के लिए, जो होमवर्क के लिए मैंने दिया था, उन सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन. ये रहा, अगर आपने बनाया है तो इसे मैच कर लो और गलती कहीं पर हो तो इसको आप सुधार लो. ओके फ्रेंड्स, पास्ट एंड इंफिनिट टेंस में बहुत कुछ आता है जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था. उसके अलावा बहुत कुछ आता है, जैसे कि आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको यूज़ ऑफ स्टार्ट टू और बिगिन टू. ओके फ्रेंड्स, ये किस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है, ये प्रेजेंट का है सेंटेंस, ये जो दो लाइन है, और ये दो लाइन पास्ट और ये दो लाइन फ्यूचर का है. तो प्रेजेंट में सेंटेंसेस ऐसे आएंगे, वह हंसने लगता है, वे लोग रोने लगते हैं, क्या वह नाचने लगता है, सीता क्यों रोने लगती है. मीन्स सेंटेंस के अंत में जब वर्ब के बाद लगता है, लगती है, लगते हैं ऐसा रहे तो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा, बट उसमें स्टार्ट टू और बिगिन टू लगाकर बनाया जाएगा. ओके फ्रेंड्स, तो हम पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस है उसको हम बनाते हुए चलते हैं. वह हंसने लगता है, इसका मेकिंग फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट प्लस बिगिन प्लस टू. स्टार्ट और बिगिन दोनों में से कोई एक भी लगेगा, एक ही लगेगा. तो सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट या बिगिन प्लस टू प्लस वी वन. इसका दूसरा तरीका है सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट या बिगिन प्लस वी प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी. अगर हम टू नहीं लगाएंगे तो वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा. ओके फ्रेंड्स, अभी हम सेंटेंस बनाते हुए समझते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. वह हंसने लगता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, लगता है यार, इसलिए इसके लिए हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के हिसाब से बनाएंगे. तो वो हंसने लगता है, ही स्टार्ट्स टू लाफ. दूसरा तरीका है ही स्टार्ट्स लाफिंग. इसी तरह से अगर हम बिगिन का इस्तेमाल करते हैं तो ही बिगिन्स टू लाफ या ही बिगिन्स लाफिंग. ओके फ्रेंड्स, दोनों फार्मूले में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको सहूलियत हो बोलने में, जो आराम से आ जाए जबान पे, वो आप बोल सकते हो, दोनों सही है. बट इतना ध्यान रखना कि जब टू लगाते हो बिगिन और स्टार्ट के बाद तो उसमें आईएनजी नहीं लगेगा, और जब टू नहीं लगाते हैं तो फिर वर्ब में आईएनजी लग जाएगा. ओके फ्रेंड्स, वे लोग रोने लगते हैं, दे स्टार्ट टू वीप, दे बिगिन टू वीप, या दे स्टार्ट वीपिंग, या दे बिगिन वीपिंग. क्या हुआ नाचने लगता है, अभी इंटरोगेटिव है. इंटरोगेटिव प्रेजेंट एंड इन्फिनिट टेंस का अगर हो तो उसमें डू डज लगाकर पहले बनाते हैं, सिंपल है. तो डज ही स्टार्ट टू डांस, डज ही बिगिन टू डांस, या डज ही स्टार्ट डांसिंग, या डज ही बिगिन डांसिंग. सीता क्यों रोने लगती है, व्हाई डज सीता स्टार्ट टू वीप, Why does Sita begin to weep? या Why does Sita start weeping? Why does Sita begin weeping? Okay friends, ये मीन्स चार तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, बट आपको एक ही चीज़ इस्तेमाल करना है बोलते वक्त, कोई भी एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इतना ध्यान रखना कि बिगिन और स्टार्ट के बाद टू लगता है तो फिर वर्ब में आईएनजी नहीं लगता है. राजू स्कूल जाने लगा, अब ये पास्ट है. पास्ट टेंस की क्या पहचान है, जब सेंटेंस का अंत में लगा, लगे, लगी, लगे ऐसा रहेगा, मतलब वो वर्ब के बाद होगा, क्रिया के बाद रहेगा, लगा, लगे, लगी, लगे. जैसे जाने लगा, पढ़ने लगा, करने लगा, करने लगा. मीन्स जाने, पढ़ने, ये सब वर्ब है, उसके बाद ही लगा, लगे, लगी आएगा, तो ही हम स्टार्ट और बिगिन लगा कर बनाएंगे. ओके फ्रेंड्स, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वी टू यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है. तो हम बनाएंगे राजू स्कूल जाने लगा, राजू स्टार्टेड
टू गो टू स्कूल, राजू बिगेन टू गो टू स्कूल, या हम टू नहीं लगाते हैं तो राजू स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, राजू बिगेन गोइंग टू स्कूल। इसमें गोइंग के बाद टू आ रहा है वो स्कूल के लिए है क्योंकि स्कूल जा रहा है, ऐसा मत समझना कि आप दोबारा टू टू लगा रहे हैं इसमें, ठीक है। वह पढ़ने लगा, ही स्टार्टेड रीडिंग, ही बिगेन रीडिंग, ही स्टार्टेड टू रीड, ही बिगेन टू रीड। क्या वह काम करने लगा, तो पास्ट इन्फिनिट है तो इसके हम क्वेश्चन वर्ड और इंट्रोगेटिव में डिड लगाते हैं, तो डिड ही स्टार्ट टू वर्क। अभी डिड लग गया तो हम स्टार्टेड नहीं लगाएंगे बल्कि स्टार्ट वर्ब का पहला फॉर्म, तो डिड ही स्टार्ट टू वर्क, या डिड ही बिगिन टू वर्क। वह क्या करने लगा, व्हाट डिड ही स्टार्ट टू डू, व्हाट डिड ही बिगिन टू डू, या व्हाट डिड ही स्टार्ट डूइंग, व्हाट डिड ही बिगिन डूइंग। अभी ये फ्यूचर टेंस का है, वह हंसने लगेगा, वे लोग गाने लगेंगे, तो जब फ्यूचर टेंस में इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं तो उसमें क्रिया के बाद यानी वर्ब के बाद लगेगा, लगेगी, लगेंगे, ऐसा रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो वह हंसने लगेगा, इसमें हम शैल विल लगाकर बनाते हैं, तो ही विल स्टार्ट टू लाफ, ही विल बिगिन टू लाफ, या ही विल स्टार्ट लाफिंग, ही विल बिगिन लाफिंग। वे लोग गाने लगेंगे, दे विल स्टार्ट टू सिंग, दे विल स्टार्ट सिंगिंग। क्या वह रोने लगेगा, विल ही स्टार्ट टू वीप, विल ही स्टार्ट टू क्राई। हम क्राई भी बोल सकते हैं, जब चिल्लाकर रोया जाए तो क्राई बोलते हैं, जब चुपचाप रोते हैं सिर्फ आंसू बहते हैं तो वीप बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, वह कैसे रोने लगेगा, हाउ विल ही स्टार्ट टू क्राई, हाउ विल ही बिगिन टू क्राई, या हाउ विल ही स्टार्ट क्राइंग, हाउ विल ही बिगिन क्राइंग। ओके फ्रेंड्स, तभी उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि स्टार्ट टू और बिगिन टू किस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम यूज़ करते हैं और तीनों टेंस में हम कैसे यूज़ करते हैं इसको। ओके फ्रेंड्स, तो प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया और फ्यूचर हो गया। अभी हम करते हैं कुछ प्रैक्टिस। वह दूध पीने लगता है, ही स्टार्ट्स टू ड्रिंक मिल्क, या ही बिगिन्स टू ड्रिंक मिल्क। वे लोग फुटबॉल खेलने लगते हैं, दे स्टार्ट टू प्ले फुटबॉल, दे बिगिन टू प्ले फुटबॉल, या दे स्टार्ट प्लेइंग फुटबॉल, दे बिगिन प्लेइंग फुटबॉल। तुम्हारा भाई मुझे गाली देने लगता है, योर ब्रदर स्टार्ट्स टू अब्यूज मी, या योर ब्रदर स्टार्ट्स अब्यूजिंग मी। वह ऐसा क्यों करने लगता है, व्हाई डज ही स्टार्ट टू डू सो, या सो की जगह हम दिस भी लिख सकते हैं ऐसा के लिए। ओके फ्रेंड्स, क्या वह स्कूल जाने लगा, डिड ही स्टार्ट टू गो टू स्कूल। तुम क्यों सोने लगे, व्हाई डिड यू स्टार्ट टू स्लीप। क्या वह तुम्हारी मदद करने लगा, डिड ही स्टार्ट टू हेल्प यू। क्या तुम्हारा बच्चा पढ़ने लगा, डिड योर चाइल्ड स्टार्ट टू रीड, या डिड योर चाइल्ड बिगिन टू रीड। वह मुझे देखने लगा, ही स्टार्टेड टू सी मी। वे लोग तैरने लगे, दे स्टार्टेड स्विमिंग, या दे बिगेन स्विमिंग। क्या तुम नहाने लगे, डिड यू स्टार्ट टू बाथ, या डिड यू स्टार्ट बाथिंग। वे लोग उसे पीटने लगे, दे स्टार्टेड टू बीट हिम। वे लोग उसे क्यों पीटने लगे, व्हाई डिड दे
बिगिन टू बीट हिम या व्हाई डिड दे बिगिन बीटिंग हिम। वह दूध पीने लगेगा। ही विल स्टार्ट टू ड्रिंक मिल्क। वह सोने लगेगा। ही विल स्टार्ट टू स्लीप। तुम हंसने लगोगे। यू विल स्टार्ट टू लाफ या यू विल स्टार्ट लाफिंग। वह खाने लगेगा। ही विल स्टार्ट टू ईट। वह क्या खाने लगेगा। व्हाट विल ही स्टार्ट टू ईट। तुम जाने लगोगे। यू विल स्टार्ट टू गो या यू विल स्टार्ट गोइंग। तुम क्यों जाने लगोगे। व्हाई विल यू स्टार्ट टू गो। वे लोग क्या करने लगेंगे। व्हाट विल दे बिगिन टू डू या व्हाट विल दे स्टार्ट डूइंग। मैं तुम्हें पढ़ाने लगूंगा। आई विल स्टार्ट टू टीच यू। क्या वह जाने लगेगा। विल ही स्टार्ट टू गो। तुम मुझे डांटने लगोगे। यू विल स्टार्ट टू स्कोल्ड मी। वह क्यों रोने लगेगा। वाई विल ही स्टार्ट टू वीप या वाई विल ही स्टार्ट वीपिंग। ओके फ्रेंड्स, ये तो प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस, और अभी घर पे प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस हम दे रहे हैं यहाँ पर। ये रहा, इन सेंटेंसेस को आप अच्छी तरह से लिख लो नोट्स में या स्क्रीनशॉट ले लो और इसका इंग्लिश अनुवाद कर लेना, और नेक्स्ट क्लास में जो हम इसका आंसर बताते हैं उसे आप मैच भी करते जाओ। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इंग्लिश सीखते रहें। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।